अभी सॉल्व नहीं करना, इसको बाद में करना है, एपी से रिलेटेड है. सम ऑफ सर्टेन, सम ऑफ एसयूएम, सम ऑफ सर्टेन कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ सर्टेन कंसेक्यूटिव. फर्स्ट ऑड नहीं बोला है, ठीक है ना, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना. सम ऑफ सर्टेन कंसेक्यूटिव बट व्हाट एवर इंटीजर्स आते हैं देयर फॉर कॉड, सॉरी कंसेक्यूटिव ऑड इज 57 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, इज 57 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर. दोबारा एक बार बोल रहा हूं, सम ऑफ सर्टेन कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज दिस, देन फाइंड दीज इंटीजर्स, देन फाइंड these integers. Second question is the first one. Second one, a1, a2, a2, a1, a2, a3 and so on till a4001. a1, a2, a3 and so on, a4001 r in ap such that 1 upon a1 a2 plus 1 upon a2 a3 plus 1 upon a3 a4 and so on till 1 upon a4001. This is given as 10. Also a2 plus A4000 is equal to 51. Sorry, 50 is equal to 50. A2 plus A4000 equals to 50. Then find mod of A1 minus A4001. दोनों ट्राई करता आफ्टर द लेक्चर. देखो नेक्स्ट टॉपिक नाउ जीपी, बाद में ट्राई करता. नाउ राइट नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एपी हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट इज जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो जीपी में क्या होता है, जैसे एपी में तो डिफरेंस कांस्टेंट होता है टर्म्स का, कंसेक्यूटिव टर्म्स का. इसमें क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है. तो लिखो द सीक्वेंस इन व्हिच रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट इज कॉल्ड जीपी. This constant ratio. Bracket में लिखना. This constant ratio for bracket start preceding term मतलब पहले वाली term. Preceding term should be denominator. Preceding P R E C E D I N G preceding term. Okay, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा 2, 4, 8, 16. This is a GP. Ratio to this can be constant, which is equal to 4 upon 8, which is equal to 8 upon 16. But this is not common ratio. This is not the constant ratio. This constant R है, but इसको common ratio नहीं बोलेंगे. वो चीज़ बता रहा हूँ. इसलिए मैंने लिखा है preceding मतलब पहले वाली term. That should be denominator मतलब इस GP के लिए हम 4 by 2 लेंगे. Common ratio. Preceding मतलब पहले वाली term should be in denominator. तो complete करो उसको. This constant ratio bracket में preceding term should be in denominator bracket close is called common ratio. This is a common difference था, इधर common ratio. But याद कर रखना है common difference ratio जो है वो आगे वाला अपॉन पीछे वाला, ऐसे याद रखना. आगे वाला term अपॉन पीछे वाला term. Although आगे वाला अपॉन पीछे वाला अपॉन आगे वाला भी कांस्टेंट ही रहेगा, बट दैट इज नॉट कॉल्ड कॉमन रेशियो, दैट विल बी वन अपॉन कॉमन रेशियो.
So for this series, common ratio is 1 upon, this will be 1 upon common ratio. Actually common ratio is 2. But whenever you get ulta likh diya, 2 upon 4, 4 upon 8 upon 16. So this is not common ratio, this is reciprocal of common ratio. Let's go next. मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा A B C D E F मेरा T V में तो B upon A equal to C upon D equal to B upon C equal to T upon D equal to F upon equal to common ratio देखिए ऐसे इसके कारण T V and B upon A equal to C by Into 1 minus r. 1
r square l root from two by r square and y square upon r y. Can we discuss it? ऊपर नीचे वन माइनस है तो मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है. वन माइनस आर इस टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है ना. कैसे आया ये एक मिनट की सोचो. मैं अगले दिन क्लास एस इज इक्वल टू ए प्लस बी आर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस आई एम फाइंड फॉर एन टर्म्स. तो एन टर्म क्या होगी इसकी ए इंटू आर इस टू पावर एन माइनस. अब सोचो हाउ टू फाइंड दिस एस. And this is valid only for r not equal to 1. If r is 1, then the denominator becomes greater. Denominator cannot be 0. So, how to proceed? Gather with combination. और किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा थी. 11, 10th, 11th, 8, 9, 10. उससे मल्टीप्लाई कर दिया एक यूनिट आर यूज कर दिया. मतलब क्या, मैंने पहले इसको r से मल्टीप्लाई किया, इधर क्या हो जाएगा s into r. अच्छा फिर a r से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ar. अब मैंने ar को इसकी ना इसके नीचे ना लिखते हुए थोड़ा इसका ऐसे धक्का दे दिया, एक यूनिट आपको मिल गया, इधर आ जाएगा ar. इस ar को फिर r से मल्टीप्लाई होगा तो ar इस पर वो इसके नीचे आ जाएगा. फिर ये ar इसके नीचे आएगा ar एंड सो ऑन. इसके पहले वाला जो टर्म होगा r ऊपर n माइनस 4 उसको r से मल्टीप्लाई करो फिर एक शिफ्ट करके देखो तो सीज क्या रहेगा. इसको r से मल्टीप्लाई करो तो इसको r से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करो तो एंड लास्टली इस टर्म को r से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा a r ऊपर है. अब देख रहे हैं कि क्या करें, सबट्रैक्ट कर देते हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा बीच में से. तो आएगा सबट्रैक्ट बीच में. इधर मेरा क्या बचेगा देखिए, s into 1 minus half is equal to ये a बचा, ये minus 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 से कैसे हो जाएंगे यार. और ये क्या है, चल plus minus क्या minus ना, वैसे तो अपने टर्टल ऊपर वाले से भी minus दे उधर minus आया तो इधर क्या आ जाएगा a minus a into r is equal to. अब हम कंडीशन लगाएंगे, तभी इसको फाइनली बोलूंगा मैं. अब मैं कहूंगा इफ r इज नॉट इक्वल टू अस, अगर r जो कॉमन रेशियो है 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दैट मीन. इस सीरीज कांस्टेंट नहीं है, मतलब जैसे मैंने ले ली सीरीज 5 5 5 5 5 5, कॉमन रेशियो इज 1 ना, तो उसके लिए तुम्हें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. मैंने खुद बोला, मान लो तो मैं ऐसे बोल रहा 5 5 5 5, लेट्स तो इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत है क्या. ये तो क्या लेंगे 4 5 5, मतलब n इनटू a. तो अब मैं दो में क्लासिफाई कर रहा हूँ, जैसे दो में ब्रेक कर रहा हूँ. मैंने ना एस इज इक्वल टू देखना ध्यान से, या तो होगा इसको पहले मैंने ए कॉमन लेके ऐसे किया 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, तब व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू 1. और अगर आर 1 है तो मेरा क्या हो जाएगा साहब, एन इज ना ए ए ए एन टाइम्स n into a ना, इसमें मत रखो r का एलिमेंट नहीं, ये तो वैलिड नहीं है. अभी तो मैंने केसेस अलग अलग बनाए ना, if r not equal to 1 then this is valid, but r अगर 1 होगा तो सारे टर्म सेम है, पहला टर्म a है, सारे टर्म सेम है and the number of terms are n, तो सब कितना हो गया n into a ना, n times a, that's it. This is the formula. अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ उल्टा करके, r पावर n माइनस 1 पावर r माइनस 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे, ठीक है. करो पापा, तो इतना इम्पोर्टेंट है एक ही था, उतना ही इम्पोर्टेंट अब जीपी है.
तो कॉपी हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पर सम ऑफ जनरल। देखो लेट 3, 6, 10 is a GP. Then find ninth term first part, ninth term second part, sum of 10 terms. Third part, minimum number of terms to be taken. Minimum number of terms. Minimum number of terms to be taken. Something of 50 terms low. Such that. That the sum exceeds इससे बड़ा होना चाहिए exceeds 300. The complement max is GP की कितनी terms do such that the sum of those terms is greater than 300. Make it fast.
आंसर इज 768। दूसरे का बड़ा सा आ रहा है कुछ तो 3000 का, और लास्ट वाला किसका हुआ? n greater than equal to 7, not only 7, 7 is 7 से ज़्यादा। चलो last part कर रहा हूँ, ये तो पहले का direct formula जो मिला है, and something this, so minimum number of terms to be taken so that sum exceeds 300. मैंने मान लिया n is the minimum number of terms, sum का formula a into r raised to power n minus 1 upon r minus, this is sum of n terms and I want this to be greater than 300. That's तो 2 माइनस 1 इज 1, एक लीटर चला गया 300 का। अब मैंने बोला 2 की पावर n जो है वो 101 से बड़ा आना चाहिए, n को क्या लूं, तो मैंने स्टार्ट किया पुट करना। लेट्स से मैंने n को 4 रखा, 16 आया व्हिच इज नॉट ग्रेटर देन 100 का, तो 5 रखा 32 आया नहीं, 6 रखा 64 आया नहीं, जैसे 7 रखेंगे हम क्या आ जाएगा 128 व्हिच इज ग्रेटर देन 101, सेटिस्फाई कर रहा है। n की वैल्यू 7 या 7 से बड़ी रखूंगा तो दिस विल बी सेटिस्फाइड, दिस इज सेटिस्फाइड मी, दिस इज सेटिस्फाइड, दिस इज नथिंग बट व्हाट वी रिक्वायर। आंसर इज n ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब इसको लिख दिया, इसमें मैंने लिखा आंसर इज n ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूं n ग्रेटर देन 6 सिंपली, वो तो बताया गया था n ग्रेटर देन 6 मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होती है, n लॉग्स टू नेचुरल नंबर और n नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 के बाद 7 ही लिखा है। देखो नेक्स्ट सबसे पहले नहीं लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इज 7, हाँ उसने ऐसे बोला मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स तो 7 होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन मिनिमम वैल्यू नहीं किया, दैट वी शुड हैव ग्रेटर देन इक्वल्स। लैंग्वेज में अंतर है, तो आंसर और लैंग्वेज दोनों में अंतर है, इसलिए अगर ये होगा ना मिनिमम कितनी टर्म ली जाए तो एग्जैक्ट एक आंसर होगा 7, और उसने बोला कितनी टर्म ली जाए सच दैट सम एक्सीड्स दिस, तो n ग्रेटर देन इक्वल्स 7, दोनों में अंतर है क्वेश्चन पूछने में। लिखो नेक्स्ट इनफाइनाइट डिग्री, इनफाइनाइट डिग्री वन से बड़ा नहीं होना चाहिए, वन भी नहीं होना चाहिए, इवन वन भी नहीं होना चाहिए। तो सोचो अगर मैंने
टू टू को ऐसे के सारे टर्म टू टू लेंगे इनफाइनाइट पर सो इट्स इनफाइनाइट द नॉट एग्जिस्ट कॉमन डेटा शुड बी लेस देन 1 या अब हम इसका फॉर्मूला ट्राई करते हैं एंड मतलब जनरलाइज करके हमारा ऐसे इज इक्वल टू ए इनटू आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 या फिर हमने इसे ऐसे लिखा था ए इनटू 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस 1 कैसे भी लिखे इट्स वाज द एन टर्म्स का सम बट मुझे चाहिए इंफिनिटी दैट्स द नोट ऑफ आर इलेक्ट्रिक वाला कांसेप्ट है इसी साल आपसे पहले मैंने लिखा 1 बाय 2 इज बेसिकली 0.5 ठीक है अच्छा फिर मैंने बोला मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ तो 1 बाय 4 इज 0.25 1 बाय 4 मीन्स बेसिकली 1 बाय 2 का स्क्वायर फिर 1 बाय 2 का क्यूब इज 1 बाय 8 इज 0.125 एंड सो ऑन सो कैन यू सी मैं 1 बाय 2 की पावर बढ़ाते जा रहा हूँ नंबर इन डिग्रीज ऊपर मतलब क्या है बेसिकली अगर कोई फ्रैक्शन है उसके ऊपर मैंने पावर रेज किया तो क्या होता है वो नंबर और बढ़ता है ठीक है और बढ़ता है अब मैंने बोला कि इनफाइनाइट सीरीज का होता क्या है इनफाइनाइट मतलब अनंत तक इनफाइनाइट मीन्स अनंत तो मैंने बोला ऐसा लिखा है 1 बाय 2 के इस 2 की पावर लिखा है मैं बोल रहा हूं 1 करोड़ भी बहुत छोटा है ऐसे पता चल जाएगा तो मैंने बोला मैंने ऐसे लिखा 1 by 2 की पावर n और अगर n इंफिनिटी को जा रहा है इनफाइनाइट है तो व्हाट वैल्यू दिस विल अप्रोच 0 फिजिक्स में बोलते फिजिक्स में पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत ये ना मैंने बोला 1 by 2 की पावर n अगर n जैसे ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है लिमिट्स का तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी इतना काफी है कि अगर कोई फ्रैक्शन है उसकी पावर मैंने बहुत बड़ी कर दी फाइनाइट कर दी तो ओवरऑल दिस क्वांटिटी विल अप्रोच टुवर्ड्स 0 एप्रोक्सीमेटली दिस विल बी 0 एक्चुअली 0 नहीं होगा 0.00000 बट मोर और लेस इसको 0 के बराबर कर सकते यूजिंग दैट फैक्ट आप देखना मैंने बोला सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ r इज लेस देन 1 n मेरा इंफिनिटी है तो r इज टू पावर n का क्या होगा क्लोज टू 0 मतलब 0 हमारे लिए अभी 0 बोलेंगे एक्चुअली मैथमेटिकल टर्म इज अप्रोचिंग 0 बट अभी हमारे लिए वो 0 को जा रहा है 0 तो दिस फार्मूला रिड्यूसेस टू a अपॉन 1 माइनस 1 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेट मी बहुत बार पूछा है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज सिंपली a अपॉन 1 माइनस 1 एंड द रूल ही नहीं r इज द कॉमन रेशियो f a इज द फर्स्ट टर्म गेटिंग इट इनफाइनाइट सीरीज होगा तो इसका कॉमन रेशियो पहली बात तो मैग्नीट्यूड उसका बात छोटा होना चाहिए एंड सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज दिस यूनिट डेरिवेशन हमने क्या फैक्ट यूज किया कि फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी इज 0 कॉपी कर
फिर लगता है एक जगह होता ना छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। देखो एक एक नोट करके और लिख लो इससे पहले साइड में नीचे नोट करके। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ r इज ग्रेटर देन 1 मतलब मॉड r इज ग्रेटर देन 1 इफ मॉड r इज ग्रेटर देन 1 नोट करके देन सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज विल नॉट एग्जिस्ट देन सम विल नॉट एग्जिस्ट ऐसे लिखो देन सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज विल नॉट एग्जिस्ट। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ r 1 से बड़ा हुआ so we cannot find the sum. Cannot find the sum के मतलब है it does not exist. देखो अब मैं दो तीन सीरीज लिख रहा हूँ fast fast answers बता रहा हूँ ठीक है। Find the sum for series. Sum निकालना है 6 power q minus r into
y raised to power r minus c into z raised to power p minus q equals to 1.
करें, बोल किसका आया क्लास, बोल आ गया
रिलीज ऑफ आर 1/3 एंट्री हाफ करेक्ट मार्क्स है तुम्हारा चलो देखते हैं ध्यान से देखो तो a1 इज a दिस इज ar एंड दिस इज ar आई थिंक समझ गया होगा सब इसमें a को मान लेते हो डायरेक्ट a into 1 plus r plus r square equals to 30 यहां पे भी मिल जाता है यही होगा अब इनपुट्स में डालो तो a square r square r के पावर 4 तो आई विल टेक a स्क्वायर कॉमन 1 plus r square plus r की पावर 4 इक्वल्स टू थैंक यू यहां पर तब देखिए अब दो वेरिएबल्स हैं एंड टू इक्वेशंस a एंड r तो ऑब्वियस ही बात है क्या करूं सबसे पहला जवाब क्या आएगा एक पे कन्वर्ट कर देना कैसे करें पहले को स्क्वायर करके दूसरे से डिवाइड कर देते हैं या फिर ऐसा बोल लो यहां से एक ही वैल्यू उठा के इधर रख दी वन एंड द सेम थिंग अब मैं क्या कर रहा हूं नेक्स्ट ये मेरी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 स्क्वायर करके डिवाइड कर रहा हूं चाहे तुम ऐसे बोल लो यहां से एक ही वैल्यू उठा के r के टर्म में हो जा रहा है एक सी बात तो मैं स्क्वायर करा ऊपर आया a इक्वल स्क्वायर करूंगा h एस हो जाएगा a स्क्वायर 1 plus r plus r स्क्वायर प्लस में इसके लिए ये एज इट इज डिवाइड किया तो ये जाएगा a स्क्वायर 1 plus r स्क्वायर प्लस r की पावर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर किया था 169 अपॉन 19 तो a स्क्वायर कम पर अच्छा ये कितना हो रहा है के बारे में थोड़ा सा आइडिया देगा क्यूब रूट के बारे में उसको मैं बताऊं
अब मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी जो खाते हैं तो मजा नहीं आएगा एक्सप्लेनेशन करने में। हाँ क्या मुझे ओमेगा की प्रॉपर्टी बता दो, दो तीन बस काफी। उसके बाद आ रही है कि एलविस ओमेगा वाला पार्ट, मतलब क्यूब न्यूट्रल पीएटी वाला पार्ट कौन बताएगा? ये तो फिर एक्सप्लेनेशन मतलब न्याय के लिए वाला काफी। हाँ बोलो कुछ याद है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर याद है? कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर भी याद है, नाम है ना क्वाड्रेटिक के बाद ट्रिग्नोमेट्री। हाँ हुआ था कौन सा बैच में तुम फेज वन में? हम तो मेरे ग्रुप में नहीं थे पहले ऐड वगैरह नहीं होता, कोई पोस्ट भी नहीं किया क्वेश्चन आज तक। ये तो मुझे मैंने रिप्लाई दिया नाम नहीं है क्यों ऐसे लिखा हुआ है बात। बताओ कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या पता है? मैं वही आता हूँ कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या पता है? वो क्यों क्यों ना बेटी बात कितनी प्रॉपर्टीज क्यों ना होता है
next question. देखो, sum of infinite number of terms of a GP, sum of SUM, the sum of infinite number of terms of a GP is 15. S infinity is equal to 15. And the sum of squares is 45. And sum of the squares is 45. तो उसी सीरीज के हर एक टर्म को स्क्वायर किया और फिर ऐड किया तो ना रिजल्टेंट इज 45. ऐसा मत सोचना कि इस एक्स का स्क्वायर किया तो गलत क्वेश्चन हो गया. इसका स्क्वायर 25 है तो भी 45 है. इसके जो टर्म्स है ना सीरीज के उनके टर्म्स को स्क्वायर करने के बाद ऐड किया तब रिजल्टेंट इज 45. Then you have to find the series. बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा. एक दो लाइन है, तीन लाइन. फॉर्मूला लगा बस. पहले जनरल एबी जो भी हम डिग्री मानते हैं ए ए आर आर स्क्वायर उसके लिए कर लेना भी, ठीक है ना, बाद में कर लेना, बाद में करते. यूज इनफाइनाइट सीरीज, यूज इनफाइनाइट सीरीज टू कंप्यूट, यूज इनफाइनाइट सीरीज टू कंप्यूट द रैशनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू, द रैशनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू 0.0.423 पास 23 के
बार लगाया है ठीक है ना नाइन टेंथ में ना ये स्टेप के क्वेश्चन अपन उसमें भी किए थे बेसिक मैथमेटिक्स आई होप याद होगा याद है निकालो उससे इनफाइनाइट जीपी का यूज करना है कैसे करेंगे देखो use infinite series to compute the rational number corresponding to this. इसके corresponding to rational number होगा p by q form में, p and q are integers. Thank you.
कंप्यूटर पर डाटा 5 6 3 लिखा इसको मैं तो लिख सकता हूं 0.500 प्लस 0.060 प्लस 0.003 यार ना मतलब मैं क्या बोलते हैं कॉपी करना होता है नंबर है नंबर है ये तो कुछ तो होता है तो पहले तो इसको इसको पहले समझे ही लिखना क्या है 0.4 2323 2323 एंड सो ऑन ऐसे होता है बार मतलब कोई रिपीट हो रहा है हेलो बार में प्लीज इस नंबर को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं एक तो 0.4 प्लस एक में ब्रेक करो 0.02323 एंड सो ऑन यहां तक कोई डाउट अगले सेम क्या तो इसको तो हम आखिर में डील कर लेंगे दिस इज 2/5 वो तो अपने आप में एक रैशनल नंबर है मेन थिंग इज दिस अब इस नंबर को इसकी मदद से कैसे लिख सकते हैं ना देखना ध्यान से 0.023 प्लस 0.00023 प्लस 0.00000023 एंड सो दीज आर जीपी तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा चलो लिख देता हूं 0.4 प्लस इनफाइनाइट सीरीज ये इनफाइनाइट का क्या होगा इसमें पहला टर्म इज दिस एंड द कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो इज व्हाट पता ना मान चुके व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जी पी भैया अरे भाई ये पहला टर्म है ये सेकंड टर्म है तो दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो क्या आएगा 0.01 1/100 भाई इन दोनों टर्म का रेशियो इधर तो मैं दो चीज ऐसे लगा देता हूँ टाइम पास के लिए 0 अब हटा दो कितने ये पॉइंट टू पॉइंट बढ़ा दिया 23/23 1/100 ना कॉपी कर दो बस इधर इधर लिख देना a/1 - r is this term divided by 1 - r. R is 1/100. So finally your answer will come out to be 419 upon 990. Are you? Chalo, ji baat.